क्या आपको पता है कि प्लूटोनियम का उपयोग यूरेनियम से ज़्यादा क्यों होता है, चाहे घातक हथियार बनाने में हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अगर पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लूटोनियम का उपयोग यूरेनियम से ज़्यादा क्यों होता है, यह जानने के लिए सबसे पहले हम प्लूटोनियम और यूरेनियम का फिजिकल और टेक्निकल डिफरेंस को जान लेते हैं। प्लूटोनियम एक मानव द्वारा बनाया गया सिल्वरी ग्रे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका सिंबल PU और एटॉमिक नंबर 94 होता है। अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम प्रकृति द्वारा बनाया गया सिल्वरी ग्रे एलिमेंट है जिसका सिंबल U और एटॉमिक नंबर 92 होता है। अब आते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो वीडियो में पूछा गया। प्लूटोनियम 239 का फीजन यानी एक बड़ा एटम छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटना काफ़ी आसानी से हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसलिए प्लूटोनियम को उपयोग ज़्यादातर घातक न्यूक्लियर हथियार बनाने तथा न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में किया जाता है। वहीं अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 238 जो कि प्रकृति से निकाला जाता है, वो प्लूटोनियम की तरह फिजिबल नहीं होता। इसलिए फिजिबल बनाने के लिए रिएक्टर की मदद से यूरेनियम के कई आइसोटोप बनाए जाते हैं, जिसमें यूरेनियम 235 फिजिबल होता है, जिसका उपयोग पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में किया जाता है। और प्लूटोनियम का ज़्यादातर उत्पाद यूरेनियम को रिएक्टर की मदद से प्लूटोनियम में बदला जाता है, क्योंकि प्लूटोनियम ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और साथ ही बहुत आसानी से फिजिबल भी होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।